थोड़ा सा ऐसे वर्कआउट कर लिया, घूम के आगे, तो वो सारी चीजें दिन अच्छा निकलता है। सो दैट इज द थिंग। तो जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि हम जो पिछले, जैसे पुराना जब कभी कभी देखते हैं तो लगता है कि हाँ पिछले बहुत टाइम में बहुत सारी चीजें अचीव की है, नई नई चीजें की, ठीक है, एंड जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, आप भी बनाओ, देखो। 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई के नहीं निकल रहे तो फिर जा कहाँ रहे हैं? जब आप शाम को डायरी लिखोगे तो देन यू विल फील कि मैंने वहां टाइम वेस्ट किया तो अच्छा नहीं, दैट रिग्रेट आपको होगा, यार मैं वहां फालतू ही गया। एक बच्चे को जो है दोस्त को अंडरवेयर लेनी थी, वो ले गया मॉल में, ठीक है, बोले अंडरवेयर खरीद के, पता लगा अंडरवेयर खरीदने गए वहां जो है 3 घंटे मकई मार के आ गए। अरे अंडरवेयर उसको खरीदनी, उसकी खरीदनी, तुम क्यों जा रहे हो? साइज होता है ना ऐसा, आपके साथ कई बार हुआ होगा, दोस्त जो है पकड़ के ले गया, ले चल, ठीक है, वो पकड़ के ले गया, वहां जो है 4 घंटे बर्बाद हो गए। था कुछ नहीं आपके लिए, कुछ काम नहीं था, आप अगर नहीं जाते तो भी वो काम हो जाता, लेकिन दोस्त ने बोला अच्छा गेड़ी मार के आते, वो गेड़ी मारने के चक्कर में पूरा दिन जो है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। आज तेरे मेरे दोस्त से मिला के लाते, वहां दोस्त से मिलने गए, वहां थोड़ी देर रुकना था, वो जो है शाम को फिर पूरा प्लान बन गया, पूरी जो है टाइम निकल गया। तो ऐसे जो टाइम वेस्ट है ये टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। आप जब ये डायरी में लिखोगे तब आपको पता लगेगा हाँ यार ये चीजें जो है वेस्ट होती है। दूसरी चीज, जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो आप उसमें लिखोगे हाँ, उसमें जो ऊपर का जो स्पेस होता है उसमें बोल्ड, अगर आपने बहुत अच्छी चीज अचीव की है तो हाँ उसमें लिखो, आज सर ने क्वेश्चन पूछा मैंने जवाब दिया, मेरे से पूछा मैंने सही से जवाब दिया, आज जो है सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ मैंने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, वहां लिखो सॉइल इज कंप्लीटेड एंड एंटायर सॉइल इज कंप्लीटेड। इस तरह से उसमें आप लिखोगे तो दैट इज लाइक माइलस्टोन्स, दैट इज योर, दीज आर योर अचीवमेंट्स। और ये अचीवमेंट जब आप देखते हो तो यू विल फील कि हाँ यार मैं कर रहा हूं जो अच्छा कर रहा हूं, आई एम ऑन द राइट पाथ, आई एम ऑन द राइट पाथ।